नमस्कार। आज बिहार में पंचायत का चुनाव है और बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुत सारे उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह एक नाम है डुमरिया गया जिला के अंतर्गत आने वाला भोखा पंचायत। भोखा पंचायत से रूबी कुमारी चुनाव लड़ रही है। रूबी कुमारी के पति का नाम है धर्मेंद्र कुमार। वो काफी कर्मठ है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, महादलित परिवार से आती है और ऐसे में मुझे सूचना मिली है कि पुलिस प्रशासन उनके चुनाव प्रचार को अवरुद्ध करने के लिए धमकी दे रही है। कुछ जो दबंग जातियां हैं वह भी नहीं चाहता है कि रूबी कुमारी चुनाव जीते। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि रूबी कुमारी को भारी से भारी बहुमत से चुनाव जिताए और जो समाज के दबंग है उनको यह संदेश दे कि लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें अस्त्र शस्त्र छल प्रपंच से काम नहीं चलेगा, बल्कि वही विजय होगा जिसके साथ जनता होगी। रूबी कुमारी के साथ जनता है, वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन हम सब का कर्तव्य बनता है कि आज के दिन वोट जो है वो सुनिश्चित करवाएं। मुझे जानकारी मिली है कि भोखा पंचायत के अंतर्गत सभी जाति संप्रदाय मजहब के लोग रूबी कुमारी के साथ है और वो यह नहीं देख रहे हैं कि रूबी कुमारी किस जाति समुदाय से आती है, लेकिन समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, समाज के जो जागरूक लोग हैं, समाज की जिनकी चिंता है, वह यह जरूर सोच रहे हैं कि रूबी कुमारी को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके चुनाव प्रचार को अवरुद्ध किया जा रहा है, जो उनके लिए वोट देने जा रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि वो महादलित परिवार से आती हैं। तो आइए इन सब का करारा जवाब हम वोट देकर दें। हम सब भारी मतों से उन्हें वोट दें। और मैं तो सुनना चाहता हूं कि डुमरिया पंचायत से सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की रूबी कुमारी हुई। मुझे यह भी बताया गया है कि रूबी कुमारी के समर्थन में बहुत सारे लोग हैं, वोट देने जा रहे हैं, हालांकि वो खुलकर बोल नहीं रहे और दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं काफी लोभ लालच दिया जा रहा है, पैसे की लालच, दारू मुर्गा की लालच। बिहार में दारू बैन है लेकिन चुनाव में दारू चल रहा है, ऐसी सूचनाएं छिटपुट करके आते रहती है, मिलते रहता है। और जहां दारू जब्त होता है वो जगह कौन सी होती है पता है? थाना के बगल में। तो दारू पीना अच्छी बात नहीं है, दारू बिहार में बैन भी है, फिर भी कुछ लोग खोज रहे हैं तो वो कहाँ खोजते हैं? थाने के बगल में खोजते हैं क्योंकि वहीं पे मिलता है। खैर, दारू पीना अच्छी बात नहीं है। रूबी कुमारी को भारी से भारी बहुमत से विजय बनावे और अगर कोई वोट देने जाने में आपको रोके डराए धमकाए तो कह दें कि भैया वोट तो आप ही को देने जा रहे हैं, वोट जो है वो गुप्त होता है, आप चाहिए और रूबी कुमार को वोट देकर विजय बनाए। लेकिन वोट देना कहाँ है? वोट देना है ब्रश छाप पर। ब्रश छाप पर वोट दे करके रूबी कुमारी को मुखिया बनाए, कमरमुखी महादलित परिवार से मुखिया जीतना चाहिए। इसके बस मुझे यही अपील करना था। और जो डरा धमका रहे हैं चुनाव प्रचार में अवरुद्ध, जिन्होंने डाला, जिन्होंने वोट डालने जाने वालों को डराया धमकाया, उनको करारी चाटा जो है वोट देकर ही दिया जा सकता है। अब वो जमाना गया जब चुनाव जो है बूथ लूट करके चुनाव जीत जाते थे। लालू जी तो बूथ लूट करके सीएम बनते रहे, सबको मालूम है कि लालू यादव ने बिहार को बर्बाद और बदनाम कर दिया था बूथ लूट लूट कर। एक तो चुनाव जीतते थे, उसके बाद क्या करते थे सबको मालूम है। लेकिन रूबी कुमारी जी का भविष्य काफी उज्ज्वल होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आज वो मुखिया बने, कल वो जिला परिषद में जाए और विधायक भी बने, एमपी भी बने, मंत्री बने। बैकग्राउंड में आपको गाना सुन रहा होगा, मारबौर सुगवा धनुष से जो सुगने गिरे मुरझाए। तो आप देख लीजिए कि छठ में कैसे गीत गाए जा रहे हैं कि उसके भी दर्द जो है
यहाँ महसूस किया जा रहा है। सुगा गिरी मुरझाए, तो हमें जो है हिंसा की बात नहीं करनी है और शांतिपूर्वक वोट डालना है। धन्यवाद।